ये है हमारा अंडा और इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका स्वाद क्या कुछ रहने वाला है। और आप देख सकते हैं, और ये लग चुकी है हमारी जो है पकौड़ी। अरे वो सिद्धा आदमी है, कोई बात लग रही है पकौड़ी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहारनपुर के मानक मोह, और इधर लग रहे हैं हमारे नौशाद भाई लगा रहे हैं हमारे अंडे, और हमारे तो अभी फ्राई हो रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, तो हमारी ये पकौड़ी लग रही है, अंडे लग रहे हैं, और नौशाद भाई के लगभग जो है 2.5-3 साल से जो है इनकी शॉप है, और अंडे का प्राइस भी जो है इनका बहुत मुनासिब है, 10 रुपये सिर्फ ओनली। और इधर हमारी पकौड़ी रहती है, आलू प्याज की पकौड़ी रहती है हमारी, और गोभी की रहती है, मिर्च रहती है, मिर्च फ्राई वो अभी नहीं है, अभी तैयार नहीं है। उधर लग रहे हैं हमारे जो प्याज व्याज अंडे के अंदर, और देखते हैं इनका क्या कुछ टेस्ट रहने वाला है। और अच्छा, अगर लोकेशन क्या रहेगी अगर किसी को आना हो खाने के लिए? मस्जिद देख रहे हैं ना आप जो सामने, आयशा मस्जिद है ना, आयशा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने, मानक मोह आयशा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने अगर आपको आना हो। और यहाँ पर जो कई किस्म की जो है आपको जो है पकौड़ी वगैरह मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं, और ये लग चुकी है हमारी जो है पकौड़ी, और यहीं पर रख लूँ कोई दिक्कत तो नहीं? और ये आज मैं इसका जो है स्वाद आप तक पहुँचाऊँगा क्या कुछ रहने वाला। हालांकि खा चुका हूँ कई मरतबा, बहुत अच्छा स्वाद होता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको जो है पहुँचाना ज़रूरी है। और उधर छिल रहे हैं हमारे अंडे, आप देख रहे हैं जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, वो वैसा बोल रहे हैं उनकी वीडियो शूट के लिए, और देखें आप जो है इधर छिल रहे हैं हमारे अंडे, देखते हैं आप। और ये लग चुकी है हमारी पकौड़ी, देखते हैं इसका स्वाद क्या कुछ रहने वाला है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले पकौड़ी से शुरुआत करते हैं, ये इनकी चटनी कौन सी होती है अपनी? है हरी मिर्च और पुदीने की चटनी, हरी मिर्च और पुदीने की चटनी होती है, और चटनी का ही खेल है वैसे तो। बहुत क्रिस्पी है, करकराली है, और पकौड़ी खाने के बाद में पता लग रहा है कि हाँ पकौड़ी खा रहे हैं, हल्की फुल्की मिर्चानी हमारे पास, चटपटी है बढ़िया, और चटनी का स्वाद जबरदस्त। ज़बरदस्त गाइस। और अगर आप सहारनपुर आ रहे हैं, सहारनपुर में रहते हैं और मानक मोह में आइए एक मरतफ़ा जो है नौशाद भाई की पकौड़ी जरूर से ट्राई करें। रात में किस टाइम रहते हैं? रात में 11:30-11:12 बजे। और 11:30-11 बजे अगर आपको इंजॉय करना है, मनोरंजन करना है, तो आपने नौशाद भाई के पास घूमते घूमते आ जाइए, और पकौड़ी एक मरतफ़ा जो है ज़रूर से ट्राई करें, ज़बरदस्त गाइस। और इस वक्त वीडियो शूट जो हो रही है ये मोबाइल से हो रही है, हालांकि कैमरा भी आप बैग देख रहे हैं ना, मैंने कैमरा नहीं अभी निकाला है, कोई बात नहीं मैंने कब मोबाइल से शूट करूँ, और क्वालिटी थोड़ी मिसिंग हो सकती है। तो ये है हमारा अंडा, और इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका स्वाद क्या कुछ रहने वाला है। जो अंडा देख रहे हैं आप, इसको बेसन देखा आप, ये चारों तरफ को लिपटा हुआ है, देख कर खाली, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे से मैरिनेट हुआ है। ज़बरदस्त गाइस। उधर बन रही है हमारी इधर पकौड़ी, और लोग आते रहते हैं और खाते रहते हैं, गर्मा गर्म आप भी आइए और खाइए, और मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, बाकी के बाद मैं आपसे बाद में कर लेता हूँ। और नौशाद भाई ने मंगा ली है इधर चाय भी, और मौसम के साथ में जैसा मौसम है उस हिसाब से जो है मामला तो बैठता है चाय वाला, तो चलो खुद कोई बात नहीं, और इसको चाय को भी फिनिश कर लेते हैं। तो भाई हो चुके हैं फारिक, और अंडे इनके ज़बरदस्त लाजवाब फ्राई जो अंडे इनके हैं वो ज़बरदस्त, और बेसन जो है ना एकदम जो है अंडे से लिपटा हुआ था, पकौड़ी भी इनकी ज़बरदस्त है, और पकौड़ी का प्राइस है इनका 160 रुपये किलो, और आपको 150 रुपये की किलो मिल जाएंगी। और एड्रेस रहेगा आयशा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने, आयशा मस्जिद मानक मऊ सहारनपुर, और इसके बिल्कुल ठीक सामने नौशाद भाई पकौड़ी वाले, और रात में भी आएंगे, रात को जो है 12-1 बजे तक भी आपको जो है आराम से जो है पकौड़ी वगैरह मिल जाएगी, है ना बस नौशाद भाई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त।